बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। टुडे वी आर गोइंग टू लर्न फ्रॉम योर मैथमेटिक्स बुक पेज नंबर 48। ओके, देखिए ये है हमारा पेज नंबर 48। ठीक है, पेज नंबर 48 आप लोग निकाल लीजिए बेटा। ये पेज हमारे लेसन का नाम है अ स्पेशल वे टू ऐड बाय कैरिंग ओवर। एक ख़ास रास्ता, एक ख़ास तरीका प्लस करने का बाय कैरिंग ओवर। ठीक है, कैरिंग ओवर के ज़रिए हम एक नए तरीके से एडिशन करना सीखेंगे। ठीक है, अब यहाँ देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल यू लुक हियर। एट स्टिक्स एंड फोर मेक 12 स्टिक्स। एट स्टिक्स मतलब आठ लकड़ियाँ और चार लकड़ियाँ मिलके कितने बनाते हैं बेटा, 12, है ना। लेट अस टाई 10 ऑफ देम इन अ बंडल टू मेक 110। अब हम क्या करेंगे, इसमें से जो 12 है इसमें से हम 10 का एक बंडल बनाएंगे। ठीक है, हम 10 को काउंट करेंगे और इसका बंडल बनाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10। ठीक है, हमने 10 का बंडल बनाया। ठीक है, ये देखिए यहाँ तक क्या हुआ, 10, है ना। नाउ हाउ मेनी स्टिक्स आर लेफ्ट, कितनी लकड़ियाँ बच गई बेटा, 2, है ना। अब ये 2 जो है वो यूनिट्स में आ जाएंगे, 2, है ना, ये देखिए, है ना। और 10 का बंडल टेंस में आ जाएगा, इसके दो कॉलम है टेंस एंड यूनिट्स। ठीक है, अब टेंस का बंडल बनाए तो हमने यहाँ रख दिया, अब 2 सिंगल है तो यूनिट्स में 2 आ जाएगा, 10 and 2, 12। ओके, अब यहाँ देखिए नेक्स्ट, यहाँ बॉक्सेस हैं। एडिंग 7 and 8 यूनिट्स मेक 15 यूनिट्स। हम 7 और 8 यूनिट को जब जमा करेंगे तो कितने हो जाएंगे बेटा, 15 यूनिट्स, है ना। तो 15 यूनिट्स का हम क्या करेंगे, लेट अस मेक अ बंडल ऑफ 10। अब 15 यूनिट्स है ना, 110, 5 यूनिट्स, हम क्या करेंगे, 10 का बंडल बनाएंगे। जैसे हमने स्टिक्स का बंडल बनाया ना बेटा, इसी तरह यहाँ पर हम बंडल बनाएंगे 10 का, तो हमको काउंटिंग करने में आसानी होती है। ठीक है, अब यहाँ देखेंगे हम 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ठीक है, अब ये हमने 10 का बंडल बनाया। नाउ हाउ मेनी बॉक्सेस आर लेफ्ट, 1, 2, 3, 4, 5, है ना, 5 बॉक्सेस रह गए, तो 5 बॉक्सेस क्या है, यूनिट्स में आ जाएंगे। ठीक है, और ये हमारा 10 में चला जाएगा, 10 + 5, 15। ओके, अब यहाँ देखिए ख़ास बात, एक मैंने आप लोगों को स्टेप्स ऑफ 10 टेंस में भी बताया था। देखिए, वी कैनॉट पुट अ नंबर बिगर देन 9 इन द यूनिट्स प्लेस। हम ये जो यूनिट प्लेस है बेटा, ये जो यूनिट प्लेस है इसमें हम 9 से ज़्यादा नंबर नहीं रख सकते, हम यहाँ पर सिर्फ सिंगल रखेंगे। जैसे 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। जैसे ही 10 आएगा, यहाँ पर जो ये यूनिट्स में जगह, 2 डिजिट के लिए जगह नहीं है। जैसे ही 9 से आगे बढ़ जाएगा, 10 हुआ, जैसे 10 हुआ, जैसे ये 10 है ना बेटा, तो क्या हो गया, 2 डिजिट हो गया ना, तो यहाँ पर एक ही डिजिट की जगह है यूनिट्स में, तो फौरन ये यहाँ पर शिफ्ट हो जाता है बेटा, टेंस में शिफ्ट हो जाता है, 0 यहाँ आएगा और 1 यहाँ चला जाता है। ठीक है, दैट इज़ वाई वी मेक अ बंडल ऑफ 10 एंड मूव इट इन टू द 10 स्पेस। इसीलिए हम क्या करते हैं, 10 का बंडल बनाते हैं और इसको कहाँ ले आते हैं, हम टेंस में ले आते हैं। ठीक है, यूनिट्स आर सिंगल आइटम्स,
और जो यूनिट्स में है वो हम सिंगल ही रखते हैं, ठीक है, समझ में आया। दो डिजिट स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, 10, 11, 12 आगे जितने भी है वो दो डिजिट रहेंगे, 99 तक के टू डिजिट रहेंगे बेटा, ठीक है। अब यहाँ देखिए, यूज स्टिक्स और बीड्स और डॉट्स टू कैरी आउट द फॉलोइंग एडिशंस एंड राइट द आंसर्स। यहाँ देखिए, हमको ये जो प्रॉब्लम है, ये जो दिया हुआ है, सॉल्व करना है एडिशन का क्वेश्चन। और इसके लिए हमें या तो हम डॉट्स ऐसे ऐसे लगा सकते हैं, या ऐसा बॉल बना सकते हैं, यानी तो स्टिक लगा सकते हैं ऐसे, और हम काउंट करेंगे, ठीक है, और सही आंसर लिखेंगे, ओके। यहाँ देखिए, ये सबसे पहले हमको ऐसे बॉक्सेस बनाना है, ठीक है, 10 यूनिट, 9 प्लस 6, 9 में हमको क्या मिलाना है, 9 प्लस 6 हमको दोनों को ऐड करना है, ठीक है। कितना हो जाएगा बेटा, यहाँ पर 9 में 6 मिला, 9 के बाद से गिनना शुरू करो, 6 तक के गिनेंगे, ठीक है, 10, 11, 12, 13, 14, 15, ठीक है, कितना आ गया, 15, है ना। तो जैसे 15 आया तो हम पूरा 15 यहाँ लिखेंगे, जी नहीं, फौरन जो 1 जो है, 1 को क्या कर देंगे, ये हम यहाँ पर शिफ्ट कर देंगे, ठीक है, 1 यहाँ लिख देंगे और यहाँ से हम मिटा देंगे, ठीक है, टेंस में आ जाएगा, जो 15 का 1 है वो कहाँ आ जाएगा, टेंस में, ठीक है। अब यहाँ देखिए, ये टेंस है, ये यूनिट्स है, और ये कौन से सिंबल है, कौन से साइन है, प्लस की, मतलब हमको क्या करना है, ऐड करना है, ठीक है, 6 प्लस 5, 6 में हमको 5 मिलाना है। अब 6 है ना, 6 के आगे से हम गिनेंगे, कहाँ तक गिनेंगे, 5 तक, अपनी फिंगर्स निकाल दीजिए, 5, 1, 2, 3, 4, 5, अब हमको 6 के आगे गिनना है, 7, 8, 9, 10, 11, कितना आया बेटा हमारा आंसर, 11, ठीक है। अब यहाँ पर हम 11 कैसे लिखेंगे, 11, ये देखिए 1 यहाँ आएगा, और जो दूसरा टेंस का जो 1 है वो टेंस की लाइन में, टेंस के घर में शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है, ये टेंस का हाउस है, ये यूनिट्स का, समझ में आया बेटा। अब यहाँ देखिए नेक्स्ट, टेंस यूनिट्स, ऐसे दो कॉलम रहते हैं, आप लोगों को ऐसे ही बनाने बेटा, सबसे पहले बुक में मुझे करके बताएंगे। अब ये है साइन प्लस के, सबसे पहले हमको साइन देखना है कि हमको क्या करना है, ठीक है, ये ज़रूरी है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। 7 प्लस 4, अब 7 में 4 मिलाइए, 7 के आगे हम 4 तक के गिनेंगे, है ना, 1, 2, 3, 4, है ना, 4 तक गिनेंगे, 7 के आगे गिनो, 8, 9, 10, 11, यहाँ इसका आंसर भी क्या आया बेटा, 11। अब 11 हम यहाँ दोनों नहीं लिखेंगे, ये जो 1 है ये कहाँ आ जाएगा, यहाँ, ठीक है, यहाँ आ जाएगा 1, ओके, ये आया यहाँ 11, ओके। अब यहाँ देखिए, टेंस यूनिट्स, टेंस का हाउस, यूनिट का। अब 6 प्लस 6 कितने हुए, 6 प्लस 6, पहले यहाँ पर हम 6 लाइन बना लेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, है ना, अब 6 के आगे गिनिए, 7, 8, 9, 10, 11, 12, इसका आंसर क्या आया, व्हाट विल बी द आंसर, 12, है ना, 12 का हम 2 यहाँ लिखेंगे यूनिट का, और जो 1 जो है वो टेंस के हाउस में आएगा, ठीक है, इसको पढ़ेंगे लेकिन हम 12 ही पढ़ेंगे बेटा, 1, 2 ऐसा नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए अब यहाँ देखिए, टेंस यूनिट्स, 4 प्लस 9, अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, 9 लाइन बनाएंगे,
या एनी थिंग, डॉट्स बनाएंगे, बॉल्स बनाओ, कुछ भी बनाओ. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये हो गए. अब 4 है ना, अब 4 के आगे से 9 तक गिनेंगे हम, ठीक है. 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ठीक है. इसका आंसर क्या आया बेटा, 13. 13 का हम 3 यहाँ लिखेंगे और 1 क्या है, टेंस में आ जाएगा, ठीक है. 1 कहाँ आ जाएगा, 10 के हाउस में. ओके, अब यहाँ देखिए आगे, लिखिए 10 प्लस 14. ये देखिए 10 है, 10 डॉट्स है, ये 14 डॉट्स, ठीक है. 10 प्लस 14, व्हाट विल बी द आंसर ऑफ 10 प्लस 14? 10 20 and 21 22 23 24. ओके, अब इसका दूसरा तरीका भी देख लीजिए कैसे करेंगे कैरी आउट से. ये देखें, यहाँ देखिए, द सेम एडिशन कैन बी रिटन लाइक दिस. अभी जो हमने यहाँ पर किया इस तरीके से, इस तरीके से किया, अब हम इस तरीके से करेंगे, ठीक है. नेक्स्ट वे, नेक्स्ट वे इज दिस, लाइक दिस. टेंस, वी हैव टू राइट टेंस. यूनिट्स, मेक कॉलम्स. साइन, यहाँ देखिए कितना था, 10 प्लस 14, है ना, 10 प्लस 14. ओके, अब यहाँ देखिए, 0 में 4 मिला है, 0 और 4 ऐड करो, व्हाट विल बी द आंसर. यस, 4 है ना, राइट. नाउ 1 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 2, 24, ठीक है. सेम आया ना आंसर, ये भी 24 है, ये भी 24 है. नाउ नेक्स्ट, कैरी आउट द फॉलोइंग एडिशंस. चलिए अब यहाँ देखिए, 10s यूनिट्स प्लस एडिशन, है ना. 0 6, 0 में 6 मिला है, 6. 2 प्लस 1 3. ओके, 7 में 0 मिला है, 7 में 0 ऐड की हमने तो क्या हो गया, 7 प्लस 0 इक्वल्स टू 7. एंड 3 प्लस 1 इक्वल्स टू, यस, 4. ओके, 47. नाउ लुक हियर, टेंस यूनिट्स एडिशन, 3 प्लस 0 इक्वल्स टू 3, 1 प्लस 4 इक्वल्स टू 5, ठीक है. और सबसे पहले जब हम ये इस तरीके से सॉल्व करते बेटा, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यूनिट्स है ना, यूनिट्स की लाइन पहले सॉल्व करेंगे, ठीक है. ये वाली लाइन पहले सॉल्व करेंगे. ओके, 5 प्लस, यहाँ देखिए, 5 प्लस 0 कितना हो जाएगा, 5 में 0 ऐड करेंगे, 0 मीन्स नथिंग, है ना. तो 5 प्लस 0 इक्वल्स टू 5. अब 1 प्लस 5, 1 में 5 मिलाओ, व्हाट नंबर विल कम, 6. ओके, 65 हो गया ये. अब यहाँ देखिए, लुक हियर, आप लोगों को बुक में ये सॉल्व करना है, ठीक है. अब यहाँ देखिए, एक और क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे. ये देखिए, यहाँ पर मैंने आप लोगों को, ये 2 है, दिस इज 1 1 एंड 3. ओके, साइन लगा, ठीक है. 1
प्लस थ्री, सबसे पहले हम यूनिट्स वाला सॉल्व करेंगे, ठीक है बेटा, ये वाला हल करेंगे। थ्री प्लस वन कितना हो गया, फोर। यहाँ देखिए, हम फिर से देखिए बेटा, वन वन टू थ्री फोर, ओके, प्लस, ये साइन लगाना ज़रूरी है। अब टू प्लस फोर है ना, यहाँ टू प्लस फोर, वन टू थ्री फोर, इसको ऐड करो, टू के बाद हम गिनेंगे टू थ्री फोर फाइव सिक्स, है ना, व्हाट विल बी द आंसर, सिक्स। नाउ वन एंड थ्री, वन एंड थ्री, वन टू थ्री, अब ये वन है, वन के आगे गिनेंगे वन टू थ्री फोर, आंसर इज 46, ठीक है। मैं आप लोगों को और एग्जांपल दूंगी बेटा, आप लोग और प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।